रख रहते रख सदा हक रहते रख नहीं देना ते खुशी छड नहीं देना ते खुशी छड देवी जी है। मैं स्टेट डिपार्टमेंट में डेली वेजर हूँ। हमें कम से कम भी 15 साल हो गए हैं, मेरे को तो लगे हुए हैं, बाकी लेडीज़ को तो 20-25 साल लग गए हैं। लेकिन इनका गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक। कुछ औरतें देखो, आप विधवा हो गई हैं, कुछ की उम्र हो गई है, कम से कम इनकी तरफ तो देखो, इनको परमानेंट करो। जो इनका अगर आपने इनको परमानेंट नहीं करना है, अगर इनकी उम्र हो गई है, आप इनको एरियल कम से कम जो इनका बनता है वो आप इनको दो, तो इनको घर भेज दो। अगर इनको आप एरियल नहीं देते हो तो ये क्या करेंगे आगे, तो इनको बच्चे भी नहीं पूछेंगे। कम से कम बच्चे तो पूछे ना इनको, इनका बुढ़ापे का सहारा तो कुछ मिले इनको। हम मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ कि एलजी आप हमारा कुछ तो कुछ करो, हमें रेगुलर पासी लागू करो। जो मिनियन वेजेज एक्ट लागू किया है, अमित शाह पिछले दिन आए थे जम्मू में, उन्होंने यही बोला कि मैंने जम्मू ड्यूटी को मिनियन वेजेज एक्ट लागू किया, लेकिन लागू कहाँ पर किया है। मैं तो बोलती हूँ कि ये सरकार चोर है। अगर उन्होंने लागू किया, कम से कम हमें तो देना चाहिए ना कि हमारे घर का सर्कल इतना खराब चल रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, हम उनकी फीसें नहीं दे सकते, कम से कम हमारा तो कुछ सोचो। आज हमें हड़ताल पे 4 दिन हो गया है बैठे हुए, अभी तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगी है कि कम से कम इन डेली वेजरों का कुछ तो कुछ करें, कम से कम इनको पूछे। यही कहना चाहती हूँ। एक मिनट दोबारा से आपकी मैडम, यही डिमांड है कि हमें परमानेंट किया जाए डेली वेजरों को। मैं तो सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा कोई फैसला करो, नहीं तो हम कल से सड़कों पे भी निकल जाएंगे। हम इतना हल्ला मचाएंगे कि सरकार का जीना मुश्किल हो जाएगा। बोलना है आज चलिए। मैसेलफ बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट जे एंड के गवर्नमेंट एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी। आज जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट रखा, पिछले 4 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। 20-25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रहीं उन्होंने भी इग्नोर किया है, और आज जम्मू कश्मीर एक यूटी था, स्टेट था, उसके बाद उसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक इनका मसला जूं का तो पड़ा हुआ है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया है, दिल्ली के अंदर या डिफरेंट स्टेट में, वहाँ 18,000 रुपया दिया जाता है। जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी जो वर्कर कैजुअल लेवल है उसको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। क्या 750 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? ये कितने बड़े दुख की बात है। इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि यहाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरा डेली वेजर जो है वो सारा जो है हड़ताल पर बैठा हुआ है, और परमानेंट मुलाजम भी शाना बशाना इनके साथ चलेगा। हम ये कहना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी की जाए, और मिनिमम वेजेस भी एक्ट यहाँ लागू किया जाए। अगर नहीं करती तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, ना कि मुलाजम।